Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel Gyanvarithi. आज की हमारी इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है. तो जो टर्म ग्रोथ है, इट रेफर्स टू दोज चेंजेस इन एन इंडिविजुअल विच आर नोटिस्ड फिजिकली. मतलब जो हमें शारीरिक रूप से व्यक्ति के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं, या हम उनको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी आर टर्म्ड एज ग्रोथ. इंक्रीज इन हाइट, वेट, हेयर ग्रोथ और ग्रोथ इन नेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, स्टमक एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ इन इन द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. दस ग्रोथ मीन्स मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल इंक्रीज इन फिजिकल साइज, स्ट्रक्चर, शेप एंड प्रपोर्शन. मतलब वो चेंजेस जिनको हम देख सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है, जहाँ पर हमें इंक्रीज दिखाई देता है किसी भी फिजिकल साइज में. लाइक हाइट बढ़ेगी तो हमें बच्चे की फिजिकल दिखाई देगी, हाइट है. स्ट्रक्चर किसी चीज़ का चेंज होगा तो वो अभी हमें दिखाई देगा. शेप अगर उसकी बॉडी में किसी ऑर्गन की चेंज हो रही है तो वो भी हमें दिखाई दे रही है. या प्रपोर्शन जो है वो बढ़ता है, जब बच्चे की हाइट बढ़ती है तो उसके बॉडी शेप में प्रपोर्शन में चेंजेस आते हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं. तो उन सभी चेंजेस को जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सब चेंजेस हमारे ग्रोथ कहलाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव भी होते हैं एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं. क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हमने ऊपर देखे, जो हमारे मान लीजिए ऑर्गन्स हैं उनके साइज़ में जो डिफरेंसेस आए, साइज़ के साथ साथ वर्किंग में भी डिफरेंस आएगा. जो वर्क में डिफरेंस आ रहा है वो उसका क्वालिटेटिव डिफरेंस है, दैट इज़ नोन एज डिवेलपमेंट. नाउ डिवेलपमेंट जो है वो हमारा डायरेक्टली कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और ना ही वो डायरेक्टली मेजरेबल होता है. उसके लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की साधन की ज़रूरत होती है ये देखने के लिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे. तो सबसे पहला जो है हमारा जो ग्रोथ होती है या हमारी जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा इनिशियली स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम कंसेप्शन. जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक वो उसकी डेथ होती है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है डेवलपमेंट की. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है हमारा प्रीनेटल पीरियड, 9 months इन मदर्स वोम. जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो प्रीनेटल पीरियड है, उसको भी हम ग्रोथ और सॉरी डेवलपमेंट की स्टेजेस में कंसिडर करते हैं. देन इट अराइव्स पोस्टनेटल पीरियड. पोस्टनेटल पीरियड जो होता है वो उसका जन्म के बाद 2 हफ्ते तक पोस्टनेटल पीरियड कहलाता है. उसके बाद आता है हमारा इन्फेंसी पीरियड. इन्फेंसी पीरियड जो है वो हमारा 2 हफ्ते से लेके 2 वर्ष तक का जो पीरियड होता है वो हमारा इन्फेंसी कहलाता है. देन चाइल्डहुड पीरियड. चाइल्डहुड पीरियड जो है वो टोटल में हम देखते हैं तो 3 ईयर्स से 12 ईयर्स तक का होता है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 साल से लेकर 6 साल तक का जो समय है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कहलाता है. और 7 से 12 वर्ष या उससे थोड़ा और अधिक होता है किसी किसी बच्चे में, वो हमारा लेटर चाइल्डहुड पीरियड कहलाता है. इसको हम कह सकते हैं और ऑनसेट ऑफ प्यूबेरिटी. प्यूबेरिटी जब बच्चे के अंदर आती है तब तक का जो पीरियड होता है वो हमारा लेटर चाइल्डहुड कहलाता है. उसके बाद का आता है हमारा एडोलेसेंस पीरियड. एडोलेसेंस पीरियड को हम टीन एज भी कहते हैं, जो 13 से स्टार्ट होती है और 19 तक होती है. या फिर हम कह सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ प्यूबेरिटी से अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी तक का जो टाइम होता है उसको हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं. अब बात करते हैं एडल्टहुड पीरियड की. एडल्टहुड में 20 से 60 वर्ष तक के सभी लोग आ जाते हैं. फ्रॉम अटेनिंग मैच्योरिटी टू द एज एट दैट वन सीजेस टू रिप्रोड्यूस. जब कोई व्यक्ति उस एज में पहुंच जाता है कि वो रिप्रोडक्शन, उसकी जो एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, वो ख़त्म हो जाती है, तब तक का पीरियड एडल्टहुड पीरियड माना जाता है. एंड लास्ट जो हमारा आता है वो ओल्ड एज या एजिंग पीरियड कहा जाता है, जो 61 ईयर्स ऑनवर्ड्स होता है. ये स्टार्ट होता है हमारा जब हमारा एंड होता है रिप्रोडक्शन एबिलिटी का एंड इट कंटिन्यूज टिल डेथ. हर एज का या हर स्टेज जो होती है हमारी डेवलपमेंट की, उसके डिफरेंट अपने यूनिक, कोहेरेंट और डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो विभिन्न होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं. ऐसे कुछ ना कुछ फीचर्स हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के होते हैं और हर पीरियड की अपनी कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे के सामने हमेशा बनी रहती हैं. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्टेज
may appear in subsequent stages for some individuals. कुछ बच्चों के cases में ऐसा होता है कि जो characteristics normally पहली stage में आते हैं वो कुछ बच्चों को later stage में भी arrive करते हैं उनके development के rate के according. कुछ बच्चों का developmental rate जो होता है वो थोड़ा slow होता है, तो जो चीज़ उनको early childhood में होनी है हो सकता है वो later childhood के initial time में हो जाए. तो ये अलग अलग होता है, हर individual के according चलता है. Now कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कुछ सिद्धांत होते हैं हमारे विकास के. ग्रोथ हमारी ऑब्वियसली जो हमें फिजिकली दिखाई दे रही है वो हमारी ग्रोथ होती है, उसको हमें ज़्यादा बहुत समझने या देखने की ज़रूरत नहीं होती. बट जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, जिसमें हम क्वांटिटेटिवली हर चीज़ को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. तो उसके प्रिंसिपल्स को हमें समझना ज़रूरी होता है. सो सबसे पहली बात कि डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो इंडिविजुअल फिनोमेना होता है. जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है. कुछ बच्चों में कुछ चीज़ें आपको अर्ली एज में दिखाई देती हैं, कुछ बच्चों में वो लेटर स्टेज पर दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो होती है पैटर्न की. जब से कंसेप्शन होता है, जब से बच्चा गर्भ में आता है, तब से लेकर उसके अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर चल रही होती है. एक लॉजिकल वे में डेवलपमेंट होता है, कभी भी इलॉजिकल या अनसीक्वेंस्ड वे में ये पैटर्न नहीं चलता. देन इट सीम्स टू बी ऑपरेटेड बाय सम जनरल रूल्स. ये लगता है जब कभी आप डेवलपमेंट देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक सामान्य सिद्धांत है या सामान्य नियम है जिसके अनुसार सभी बच्चे विकसित होते हैं. अब इसका सबसे पहला सिद्धांत हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता से चलती है डेवलपमेंट की या विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है. ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता. जब से बच्चा गर्भ धारण करता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक ये निरंतरता से चलता रहता है. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमेशा कंटिन्यूअसली मतलब निरंतरता से तो विकास चल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के रेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. मतलब किसी का डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट होता है, किसी का थोड़ा स्लो होता है. जैसे कुछ बच्चे ग्रेजुअली बढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हाइट अपने आप अचानक से बढ़ती है. या फिर अगर हम ये कहें कि सडन चेंज इन सोशल इंटरेस्ट या इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चों की, ये सब चीज़ें जो हैं वो एडोलेसेंस स्टेज में दिखाई देती हैं. ऑल दो पहली स्टेजेस में ये हमें नहीं के बराबर ही दिखाई देती हैं और ये अचानक से होते हैं. तो यहाँ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, हमेशा सभी चीज़ें हर स्टेज में बराबर नहीं होती. जैसे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो 3-4 इयर्स की एज में अचानक से होता है, लेकिन बच्चा बहुत सोशल नहीं होता है और इंटेलेक्चुअली वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, बट क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है. तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब हर स्टेज में एक जैसा नहीं होता है, हर स्टेज में अलग अलग होता है. हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा यूनिफॉर्मिटी को लेकर चलता है. देन रेट ऑफ डेवलपमेंट की जो हमने बात की वो भी यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता है, किसी स्टेज पर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, और साथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इफ़ेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे. हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक होता है, डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है. सभी बच्चे एक जैसा नहीं करते हैं, उनका डेवलपमेंट जो मतलब जो विकास है वो अलग अलग डायमेंशंस को लेके यूनिक होता है और स्पेसिफिक होता है. जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि कुछ बच्चों में सोशलाइजेशन पहले स्टेज पर हो जाता है और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एडोलेसेंस में आकर सोशलाइज होते हैं या उनकी हाइट एकदम से बढ़ती है, जबकि कुछ बच्चों की ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते एडोलेसेंस एज तक आते आते बढ़ चुकी होती है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न. यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, अभी हमने पहले बात की प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लेकिन वो जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेट. मीन्स कि बच्चे का जो विकास है वो हर स्टेज पर समान नहीं होता, किसी स्टेज में किसी अलग डायमेंशन का ज़्यादा विकास होता है, किसी डायमेंशन का कम होता है, और किसी बच्चे का किसी स्टेज में डेवलपमेंट ज़्यादा रैपिड हो जाता है और किसी में थोड़ा कम, मतलब थोड़ा आगे पीछे उसका डेवलपमेंट चलता है, लेकिन पैटर्न जो है वो हमेशा सेम रहेगा. ये पैटर्न हमेशा यूनिफॉर्म होता है, यूनिवर्सल होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्पीशीज़. किसी एक स्पेसिफिक स्पीशी की जब हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ये पैटर्न हर ह्यूमन बीइंग में एक जैसा होगा.
जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट. लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का पहले बैबलिंग साउंड वो क्रिएट करता है, उसके बाद धीरे धीरे टूटे फूटे वर्ड्स बोलता है और उसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज पर कमांड गेन करता है वो. सो ये पैटर्न हमेशा यही रहेगा. देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज. बच्चा जो होता है वो इनिशियली जनरल रिस्पॉन्सेज शो करता है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्पेसिफिक या गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्स उसके होते हैं. जैसे कि बच्चा पहले क्यूइंग करता है इनिशियल स्टेज पे और उसके बाद स्पेसिफिक साउंड्स प्रोड्यूस करना सीख जाता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन. जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे डेवलपमेंट के या ग्रोथ के हम बात करें, वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. ऐसा नहीं होता कि बच्चे का विकास हो रहा है लेकिन वो इंटेलेक्चुअली नहीं कर रहा है, विकसित नहीं हो रहा है, या उसका बॉडीली डेवलपमेंट जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है. ये हम देखते हैं कि जिस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं बाध्य होता दिखाई देता है. तो ये जो डेवलपमेंट का हमारा प्रोसेस है, ये सभी एस्पेक्ट्स में या सभी डायमेंशंस में इंटर रिलेशन होता है. बच्चे का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है देन इट्स फाइन, और अगर नहीं होता है तो दूसरा भी कहीं ना कहीं उसका डायमेंशन इफेक्ट कर जाता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज. ये जो टेंडेंसीज होती हैं इनको हम समझ लेते हैं. जो सेफलोकॉडल टेंडेंसी की हम बात करते हैं तो इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो हेड टू टो होता है, मतलब सिर से लेके पैर की तरफ होता है. तो जैसे बच्चा हमारा होता है स्टार्टिंग में खड़ा होना सीखता है, उससे पहले वो अपने हेड पर अपने आर्म्स पर कंट्रोल करना सीख जाता है, उसके बाद उसके लेग्स स्ट्रेंथ गेन करते हैं और फिर वो उन पर धीरे धीरे क्रॉलिंग करता हुआ खड़ा होना सीखता है. नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज. प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी जो है वो ये बताती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नियर टू डिस्टेंट पार्ट्स होता है. जैसे सेंटर से एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ वो मूव करेगा. पहले बच्चे के फंडामेंटल मसल्स स्ट्रेंथ गेन करते हैं. लाइक अगर हम हाथों की बात करते हैं तो बच्चे की जो फंडामेंटल मसल्स होती हैं, पहले बच्चा पूरा चीज़ों को मुट्ठी से उठाता है क्योंकि उसकी बेसिक जो फंडामेंटल मसल्स हैं वो वर्क करती हैं. उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी फिंगर्स से काम करना सीखता है. तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी होती है डेवलपमेंट की. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगी. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.